दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह नज़ारा मथुरा के नए बस स्टैंड का है। हम आपको बता दें कि मथुरा तीर्थ स्थल नगरी है और यहाँ त्योहारों के साथ साथ अन्य समय में भी अधिक श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, क्योंकि मथुरा तीन लोक से न्यारी और प्यारी नगरी है। वहीं हम बात करें मथुरा के नए बस स्टैंड की, तो इस समय मथुरा का नया बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नए बस स्टैंड पर इस समय आवारा पशु घूमते रहते हैं और साफ सफाई की यदि हम बात करें तो साफ सफाई न के बराबर है। शौचालय की सुविधा तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब हमने वहां आने जाने वाले यात्रियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ब्रज नगरी मथुरा का बस स्टैंड होना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँचता है। क्या नाम है आपका? दीप की। कहाँ से आए? राजस्थान से। अगर हम बात करें बस स्टैंड पे तो किन किन सुविधा, क्या क्या सुविधा मिली आपको? सुविधा है, आप देखो गाड़ी कहाँ के खड़ी है यहाँ पे, अच्छा कोई हुई नहीं है कोई। अगर बात करें स्वच्छता की तो कैसी साफ सफाई दिख रही है आपको? साफ सफाई आप ना देख रहे हैं यहाँ पे साफ सफाई। अगर बात करें ऐसे पानी टॉयलेट आदि की तो? कुछ नहीं है, देख लो तो कुछ नहीं है पूरा मामला। कहाँ से? मेरा नाम अमरदीप है और मैं अलवर का रहने वाला। अगर बात करें मथुरा बस स्टैंड की तो क्या क्या सुविधाएं महसूस होती है? देखो वो तो सभी को दिख ही रहा है यहाँ पे, कितने टूटी पड़ी है आपका बस स्टैंड, टॉयलेट का भी कोई यही मुझे कहीं दिख नहीं रहा और पैसे में बड़े परेशान रहते हैं। वैसे भी रस रहता है, मुझे लगता है कि छोटा बस स्टैंड। अच्छा, अगर बात करें पानी की और स्वच्छता की तो क्या कहना चाहोगे? पानी और स्वच्छता का तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इस तरीके की होनी चाहिए व्यवस्था बस स्टैंड पे। अच्छा, ये एक तीर्थ स्थल है, कान्हा की नगरी है, वहाँ की बिहारी की नगरी है, क्या होना चाहिए बस स्टैंड आपके साथ उस तरीके से? तो देखिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल का रेपुटेशन रखता है ऐसा, लेकिन उस तरीके से लोग आते हैं, बड़ी अपेक्षाएं लेके आते हैं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं मिलती तो बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को, तो यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए। कहाँ से आए आप? इधर से नौ जिले से आए। अच्छा, अगर बात करें बस स्टैंड पर सुविधाओं की तो क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? शादी में से आया हूँ। अगर यहाँ बस स्टैंड पर सुविधाओं की बात की जाए तो क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? वैसे सब सुविधाएं, लेकिन ये बस जो टाइम से नहीं आ रही है। कितना कितने देर हो गई आपको यहाँ? परेशान हो रही है, एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया। अच्छा, एक घंटे से बैठे हैं। अभी कितनी देर का बोला बस आने के लिए? एक बजे की बोला। एक बजे आप सफाई की बात करें, अगर साफ सफाई की बात करें तो? साफ सफाई तो ठीक है, बोलना भी लग रहा है, सभी है पानी की है। पानी पानी लो।